केजरीवाल के खिलाफ आपके निलंबित नेता कपिल मिश्रा का नया खुलासा, आपको चंदा देने वाली कंपनियां फर्जी। कपिल मिश्रा ने कहा अरविंद केजरीवाल ने मुकेश शर्मा का जो वीडियो दिखाया सब झूठा है, छुपा रहे हैं प्रकाश शर्मा। मेरे हाथ में अरविंद केजरीवाल का कॉलर है और 6 फ्लैग स्टाफ मार्च से निकल के अरविंद केजरीवाल सीधे तिहाड़ जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को दी खुली चुनौती, हिम्मत है तो इनकम टैक्स को पूरा सच बताएं। आज तक के खुलासे पर हुर्रियत नेता यासीन मलिक की गुंडागर्दी, प्रतिक्रिया लेने गई आज तक टीम पर बोला हमला। यासीन मलिक के संवाददाता कविलजीत संधू का मोबाइल तोड़ा, कैमरामैन विनोद से की मारपीट। अरुण जेटली ने आज इन अधिकारियों के साथ किया नाश्ता, आज 48 घंटे में दूसरी बार सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में लश्कर के एक आतंकी का शव मिला, मोहम्मद यूसुफ के रूप में हुई पहचान। कश्मीर में कुलगाम में एक नेता की हत्या, आतंकी ने घर में घुसकर मारी गोली, एक जख्मी। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए जवान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, 3 गिरफ्तार, नक्सलियों के लिए बारूद की सप्लाई का शक। छत्तीसगढ़ के संगारा में सीएम रमन सिंह ने लगाया कैंप, शिकायतों की होगी सुनवाई। असम के उदालगुड़ी जिला में उल्फा उग्रवादियों के साथ पुलिस और सेना की मुठभेड़, 6 लाख नकद के साथ हथियार बरामद। झारखंड के पाकुड़ में किसान ने की खुदकुशी, पिता और बेटे में कर्ज को लेकर हुआ था विवाद। मथुरा में हत्या और लूट के खिलाफ सर्राफा कारोबारियों का पूरे राज्य में हड़ताल, ज्वेलर के पिता का हाल बेहाल। मथुरा में आज भी बंद है सर्राफा बाजार, दुकानों पर ताले। बिजनौर के कारोबारी भी हड़ताल में शामिल, बाजार में सन्नाटा। आगरा के सर्राफा व्यापारी संगठन का ऐलान, अपराधियों के पकड़े जाने तक जारी रहेगी हड़ताल। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कार्ती लंदन रवाना, पिता चिदम्बरम ने बताया पहले से तय था टूर। सीबीआई ने कार्ती और पीटर मुखर्जी के खिलाफ आपराधिक साजिश का लगाया आरोप, हवाला केस में ईडी भी शिकंजे की तैयारी में। किसानों के मुद्दे पर शिवसेना ने रखी 10 मांगे, किसानों का सवाल हल करने के बजाय हड़ताल में फूट डाल रहे मंत्री। नासिक के 140 गांव के किसान जा रहे हड़ताल पर, सामना में लिखा सरकार किसानों को जीने भी नहीं देती और लड़ने भी नहीं देती। एनसीपी नेता रमेश कदम का पुलिस को धमकी देने वाला वीडियो वायरल, 300 करोड़ के घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। दिवंगत केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का अंतिम संस्कार, आखिरी विदाई देने जुटे दिग्गज नेता। आखिरी इच्छा के मुताबिक नर्मदा के तट पर हुआ अंतिम संस्कार, अपनी याद में बस पेड़ लगाने के लिए की थी अपील। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि, उमा भारती और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद। कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ था उनका निधन, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने दी थी श्रद्धांजलि। गुड़गांव के कादरपुर में 170 बच्चे बैठे धरने पर, सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल को अपग्रेड करने की मांग। हरियाणा के रेवाड़ी सरपंच पर 2 महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, नाले को लेकर हुआ था झगड़ा। मेरठ में अस्पताल में किन्नर की मौत पर हंगामा, पूर्व मेयर और नेता हाजी फाको की मौत पर भड़का गुस्सा। यूपी में अब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाओं में नकल, परीक्षकों की मदद से स्कूल में नकल। बांकुरा में सेना के जवान पर पुलिसकर्मी को पीटने का आरोप, बाइक हटाने को लेकर हुआ था झगड़ा। मध्यप्रदेश के सीहोर में बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत, 15 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली के निजामुद्दीन में चिल्ड्रन शेल्टर होम तोड़ा गया, सड़क पर आ गए बच्चे।
हापुड़ में डग्गा मार बस पलटी, 24 लोग घायल। भारी बारिश की वजह से प्रदूषित बेलंदूर झील का पानी, सड़कों पर फिसला, प्रदूषित करने वाली इंडस्ट्री पर नहीं हो सकेगी कोई कार्रवाई। जमशेदपुर में बच्चा चोरी के आरोप में 3 लोगों की बुरी तरह से पिटाई, 1 की मौत। गोवा के कुरचेरा में पैदल पुल ढहा, नदी में डूबने से 2 की मौत, करीब 2 दर्जन बहे। हादसे के वक्त करीब 50 लोग थे पुल पर मौजूद, लोगों के भार से खस्ता हाल पुल नदी में गिरा। नेवी ने 15 लोगों को किया रेस्क्यू, 20 लोग खुद तैरकर बाहर निकले, बाकियों की तलाश जारी। खुदकुशी करने वाले शख्स को देखने के लिए पुल पर लगा था मजमा, 50 लोगों सहित पुल हुआ धड़ा। पुर्तगालियों के शासन के वक्त का पुल था जर्जर, करीब 4 साल से बंद थी आवाजाही। आईपीएल क्वालिफायर 2 में आज कोलकाता और मुंबई की भिड़ंत, जीतने वाले की होगी बैंगलोर में पुणे से खिताबी टक्कर। कोलकाता ने बारिश से बाधित मैच में हैदराबाद को 7 विकेट से हराया, जबकि पहले क्वालिफायर में मुंबई की हुई थी पुणे से शिकस्त। आईपीएल में अब तक 20 बार आमने सामने हुई कोलकाता मुंबई, 15 मैच में मुंबई ने मारी बाजी, पिछले 2 मुकाबले में भी मुंबई ने ही मारा मैदान। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर टीम इंडिया, दूसरे पायदान पर दक्षिण अफ्रीका, तीसरे पर कंगारुओं का कब्जा। पिछले कई टेस्ट जीतने से भारत की झोली में 123 अंक, दक्षिण अफ्रीका ने 117 और ऑस्ट्रेलिया ने बटोरे 100 अंक।